राम राम आप सभी का स्वागत है आपका हलवाई साहब चैनल में। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर देवे। रोज़ हम बनाते हैं कुछ चटपटा, लेकिन आज हम बनाएंगे पौष्टिक और सेहत के लिए कुछ स्पेशल। तो आज हम लेंगे काले चने। कुछ मात्रा में काले चने लेने हैं और काले चनों को लेने के बाद उन चनों को कम से कम 5 या 6 घंटे के लिए भिगो कर रखना है। और हमारे चने कुछ भीगने के बाद ऐसे हो जाएंगे और देख लेना अच्छी तरीके से भीगे या नहीं भीगे, भीग चुके हैं। और फिर उसके बाद हम एक टोपिया लेंगे, उसमें पानी डालेंगे क्योंकि हम उस पानी में चनों को बॉईल करना है। और फिर बाद में जो पानी हमने रात में डाला था या 5-6 घंटे पहले जिन चनों में पानी डाला था वो पानी बाहर निकाल देना है और थोड़ा सा साफ पानी डाल के उनको धो लेना है। फिर हम उसके बाद उस टोपिया में चने डाल देंगे बॉईल करने के लिए। चने डालने के बाद हम उसमें एक चम्मच नमक डाल देंगे और कुछ देर तक हम उनको बॉईल करेंगे। अच्छी तरीके से बॉईल होने चाहिए और बॉईल होने के बाद हम उनको बाहर निकाल देंगे, ठंडा कर लेंगे। और देख सकते हो एकदम बॉईल हो चुके हैं चने। चनों को अच्छी तरीके से बॉईल करना है। फिर हम उसमें डालेंगे कटिंग किए हुए खीरा, कुछ प्याज कटिंग किए हुए और कटिंग किए हुए टमाटर, टमाटर को ऊपर से छील लेना है। और कुछ अनार डालेंगे, अनार आप अपने अनुसार डाल सकते हो। अगर आपको पसंद हो तो अनार डाल दो, वरना नहीं डाल सकते हो आप, इसमें गाजर भी डाल सकते हो। फिर हम एक कटोरी दही लेंगे, और उसमें थोड़े से हरा धनिया और पुदीना डालेंगे। हरा धनिया पुदीने से बहुत अच्छा स्वाद आएगा, टेस्ट भी आएगा। और उसको अच्छे से मिक्सर में ग्राइंडर करना है या पेस्ट बना लेना है अच्छे से। और देख सकते हो आप कुछ इस प्रकार पेस्ट बनाना है। और फिर हम उसमें डाल देना है जो हम चाट बनाएंगे या नाश्ता बनाएंगे। और फिर हमें चम्मच की सहायता से उसको अच्छे से मिक्स करना है। कुछ इसी तरह मिक्स कर लेना है अच्छे से सबको। मिक्स करने के बाद हम उसमें डालेंगे एक चम्मच काला नमक। काला नमक हेल्थ के लिए भी अच्छा होता है और खाने में भी स्वाद रहता है। और थोड़ा सा पीसा हुआ जीरा, जीरे से स्वाद भी आएगा और हेल्थ के लिए भी अच्छा है। और थोड़ी सी सौंठ और काली मिर्च पाउडर, जिससे स्वादिष्ट भी बने। और उनको अच्छे से मिलाएंगे। देखो भाई साहब, सेहत के लिए भी कुछ ना कुछ होना ज़रूरी है, क्योंकि कुछ भी हो जाए लेकिन सेहत अच्छी रहेगी तो हम कभी हार नहीं मानेंगे। और थोड़ा सा नींबू लेना है, नींबू आप अपने स्वाद अनुसार ले सकते हो, या नींबू आपको खट्टा ही पसंद हो तो ही लेना। और कुछ इसी प्रकार हमारी ये पौष्टिक और हेल्थी चाट या नाश्ता बनकर तैयार हो जाएगा। आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा तो सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।